तो दुनिया भर एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट के खौफ का खतरा मंडराने लगा है। रूस, अमेरिका और चीन तीनों देशों के न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर हलचल तेज हो गई है। न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया है। परमाणु हथियारों से लैस इन तीनों देशों के परमाणु परीक्षण साइट पर लगातार विस्तार किया जा रहा है। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसने तीनों देशों के परमाणु प्लान से पर्दा उठा दिया है। रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल। चीन का लोपनूर परमाणु परीक्षण स्थल। अमेरिका का नेवादा परमाणु परीक्षण स्थल। न्यूक्लियर टेस्ट साइट के सैटेलाइट तस्वीरों से रेडिएशन फाइट की पिक्चर साफ हो गई है। तीन देशों के न्यूक्लियर टेस्ट साइटों का विस्तार बताता है कि कैसे तीनों देश अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु परीक्षण का विस्तार हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि यह विस्तार नए परमाणु परीक्षण के लिए है। सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की परमाणु पोल खोल दी है। चीन अपने परमाणु परीक्षण स्थल में निर्माण को लगातार बढ़ाता जा रहा है, नई सुरंगें खोदी हैं। वहीं न्यूक्लियर साइट विस्तार में अमेरिका भी पीछे नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका के नेवादा न्यूक्लियर साइट की में हुए विस्तार का पर्दाफाश हुआ है। सवाल है, क्या दुनिया में परमाणु बम बनाने की होड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है? क्या एक बार फिर रूस परमाणु परीक्षण करने वाला है? क्या एक बार फिर अमेरिका परमाणु बम फोड़कर दुनिया को डराने वाला है? क्या चीन भी नए परमाणु बम का परीक्षण कर अमेरिका को आंखें दिखाने वाला है? सैटेलाइट तस्वीरों में रूस, चीन और अमेरिका तीनों देशों के परमाणु परीक्षण स्थलों पर गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। हम तीनों देशों की न्यूक्लियर हरकतों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इन देशों की एक एक गुपचुप रणनीति कैद है। अगर एक बार फिर दुनिया में परमाणु बमों के परीक्षण का दौर शुरू हो गया तो यकीन मानिए, दुनिया के लिए इससे डरावना कुछ और नहीं होगा। क्यों और कैसे, इसे आगे बताएंगे। पहले आप रूस के नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर हुए नए निर्माण को देख लीजिए। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रूस के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थल का काफी विस्तार हुआ है। इसे रशिया की ओर से काफी ज्यादा एक्सपेंड किया गया है, और एक्सपेंड इसलिए किया गया है जिससे कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा सके। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु स्थल है। ये पूरी जो फोटो है, इसे आप जरा ध्यान से देखिए, ये सैटेलाइट इमेज है। इस इमेज से कम एक बात तो साफ हो गई है कि रशिया लगातार अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहा है। ये साल 2021 से 2023 के बीच में क्या कुछ डिफरेंस आप यहां पर देख रहे हैं, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, इस सैटेलाइट इमेज के जरिए समझिए। यहां कई निर्माण हुए हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो छोटी इमारतों का निर्माण किया गया है, साथ साथ यहां पर आप लार्ज बिल्डिंग्स को भी, यानी बड़ी इमारतों को भी देख पा रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा बड़ी इमारतों के साथ साथ करीब में ही अगर आप देखें तो सुरंगें भी है। यहां पर करीब में ही निर्माण के लिए जमा किया गया सारा सामान अगर आप देख पा रहे हो, देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पर हमने देखा है कि किस तरीके से कंटेनर्स, कॉन्क्रीट, सीमेंट जैसी तमाम जरूरी चीजें होती हैं, वो भी आप यहां पर इस बड़े से एरिया में देख पा रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या आर्कटिक महासागर का एक द्वीप समूह है। यहां आप इस तस्वीर में देखें, सैटेलाइट इमेज में देखें कि साफ साफ दिख रहा है कि बंदरगाह भी है और शिपिंग कंटेनर यहां पर आ रहे हैं। ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, ये शिपिंग कंटेनर्स को लाने के लिए, यानी कि जरूरी जो सामान है वो इन्हीं शिपिंग कंटेनर्स के जरिए इस पोर्ट पर लाया जाता है। वहां पहाड़ों में गहरी सुरंगें भी खोदी गई हैं, और ये आप देखें
ये गहरी सुरंग यहां पर खोदी जा रही है। लेकिन इस सुरंग तक हम पहुंचेंगे कैसे? इस सुरंग तक पहुंचने के लिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये गहरी सुरंग तक पहुंचने का रास्ता भी साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस नए निर्माण से ये साफ हो जाता है कि रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में है, और इसीलिए ये तमाम कंस्ट्रक्शन किया गया है। रूस के बाद हम चीन और अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल पर कैसी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, इसे भी दिखाएंगे। लेकिन पहले रूस के परमाणु स्थल से आई तस्वीरों के असल मायने क्या हैं, इसे जान लेते हैं। सवाल है, क्या रूस 33 साल बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है? क्योंकि जिस नुआया ज़ेम्ब्लेया परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, वो रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट की हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हाल ही में इस साइट का दौरा करने पहुंचे थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हेलीकॉप्टर पर सवार होकर रूस के सबसे बड़े परमाणु बम परीक्षण स्थल का दौरा करने पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर में उनके साथ रोसाटॉम यानी रूस के परमाणु ऊर्जा कॉरपोरेशन के चीफ एलेक्सी लिखाचियो हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस के परमाणु हथियारों के निर्माण से लेकर रख रखाव और हमले का जिम्मा रोसाटॉम के पास है। नुआया ज़ेम्ब्लेया की इस धरती का इस्तेमाल सोवियत काल में परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया गया था और अब इसका उपयोग रूस के नए परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया जाता है। रूस के लिए नुआया ज़ेम्ब्लेया की सुरक्षा कितनी अहम है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। यहाँ फाइटर जेट है, यहाँ युद्धपोत है, यहाँ लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। नुआया ज़ेम्ब्लेया रूस के उत्तर और यूरोप के पूर्व उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नुआया ज़ेम्ब्लेया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नुआया ज़ेम्ब्लेया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस ने यहां 132 मरतबा परमाणु परीक्षण किया। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। बड़ा सवाल है, क्या रूस नए परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के साथ रूस और अमेरिका में अब न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की बढ़त पर लगाम लगाने वाला समझौता न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड हो चुकी है। रूस ने खुद को परमाणु समझौते से अलग कर लिया है। रूस और अमेरिका की न्यू स्टार्ट समझौता सस्पेंड होने के बाद आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। दावा किया गया है कि रूस के नुआया ज़ेम्ब्लेया परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल बढ़ गई है। नुआया ज़ेम्ब्लेया परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियो का दावा पहले ही सामने आ चुका है कि नुआया ज़ेम्ब्लेया परमाणु परीक्षण स्थल को किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण के लिए तैयार कर लिया गया है। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। परमाणु परीक्षण करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था। जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु परीक्षण के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं। दुनिया में अब तक 2,059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 1,030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किए हैं। 715 न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणु परीक्षण करने वाला देश है। न्यूक्लियर रेस में अमेरिका भी पीछे नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा फैसला किया है जिसके बाद पेंटागन का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। परमाणु बमों के लिमिट तय करने वाले करार को स्थगित कर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे पहले ही जता दिए हैं। अब अमेरिका के निवादा परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका की नई न्यूक्लियर पिक्चर का ट्रेलर दिखा दिया है। तो ये अमेरिका का निवादा परमाणु परीक्षण स्थल है।
जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज हमारे पास है। ये आधिकारिक तौर पर नेवादा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थल के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने ये जो सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं 14 जुलाई 2023 की है, ये वाला अगर आप हिस्सा देखेंगे। लेकिन अगर उस तरफ का हिस्सा आप देखें तो दूसरी 5 साल पहले 15 सितंबर 2018 की है। अब देखिए कि दोनों ही इमेजेस में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, बदलाव क्या क्या नजर आ रहा है, इन 5 वर्षों में यहां कितना विस्तार हुआ है। यहां आपको ढेर सारी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, वहां बहुत कम कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। इससे साफ साफ हो जाता है कि यहां अमेरिका का भूमिगत UNA कॉम्प्लेक्स भी है। UNA कॉम्प्लेक्स यहां पर अंडरग्राउंड अमेरिका की ओर से बनाया जा रहा है, जहां पर परमाणु परीक्षण किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका न्यूक्लियर पावर में नंबर 1 बनने की रेस में सबसे आगे रहना चाहता है। यहां अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में भूमिगत परीक्षण किया था, यानी कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग यहां पर की थी। लेकिन अमेरिका इसे लंबे समय से परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रखता रहा है। दावा यह किया जाता रहा है कि यहां अमेरिका किसी भी वक्त नए और पहले से भी ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक की थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि अमेरिका के पास फिलहाल 1419 हमले के लिए तैयार परमाणु हथियार हैं, 662 इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल और हैवी बॉम्बर है। वहीं रूस ने 2023 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बताई है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब आपको पश्चिमी चीन के 2 रेगिस्तानों के बीच सूखी हुई नमक की झील में बनी लोपनूर परमाणु परीक्षण स्थल ले चलते हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद चीन की न्यूक्लियर साजिश का पर्दाफाश हो गया है। तो ये चीन के परमाणु परीक्षण स्थल की एक सैटेलाइट इमेज है। पश्चिमी चीन में 2 रेगिस्तानों के बीच में सूखी हुई नमक की झील लोपनूर में चीन का परमाणु परीक्षण स्थल है। यहीं पर चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। यहां चीन की न्यूक्लियर फोर्स की गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ी हुई हैं, तरह तरह की हम एक्टिविटीज यहां पर देख रहे हैं। लेकिन ये जो सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि यहां परमाणु बम के लिए परीक्षण करने के लिए कुछ 5 सुरंगें, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इस जगह पर कुछ 5 सुरंगें बनकर तैयार कर ली गई हैं। हालांकि जो 5वीं है वो अंडरग्राउंड सुरंग है और उसकी खुदाई लगातार इसी जगह पर चल रही है। नई सड़कें बनाई गई हैं, नई सड़कों का निर्माण किया गया है। यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से ये नई सड़कें कंस्ट्रक्ट की गई हैं, जिससे कि जो जरूरी सामान है वो यहां लाया जा सके। 2022 और 2023 में ली गई तस्वीरों की तुलना से ये पता चलता है कि यहां की सुरंग खुदाई से निकलने के ढेर का आकार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, 1 साल के अंदर अंदर जो डेब्री है खुदाई से जो बाहर आई है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंडर वाटर जो मिट्टी थी, अंडरग्राउंड की जो मिट्टी थी, उसे निकालकर बाहर किया गया है और इसीलिए ढेर जो है कंस्ट्रक्शन की वजह से वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब विश्लेषकों का यह मानना है कि चीन यहां सुरंगों का विस्तार कर रहा है। ये जो सुरंगें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये उत्तरी पहाड़ी में इस पर विस्तार कर रहा है। यहां प्रशासनिक और सहयोग क्षेत्र साफ साफ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और ये अगर आप देखें इलाका, यहां पर तमाम वो ऑफिसर्स, तमाम वो लोग यहां पर हैं जो न्यूक्लियर क्षेत्र में होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। और इसके अलावा नया निर्माण भी आपको इस सैटेलाइट इमेज में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस तरीके से यहां पर आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी, तरह तरह का कंस्ट्रक्शन भी दिखाई दे रहा होगा। यह दरअसल नया परमाणु गोदाम भी है। यहां पर ठीक थोड़े से डिस्टेंस पे अगर आप देखें तो यहां पर नया परमाणु गोदाम चाइना की ओर से बनाया गया, क्योंकि देखिए चाइना भी तो लगातार न्यूक्लियर पावर में सबसे आगे रहने की होड़ में नंबर 1 बनना चाहता है। यानी कि परमाणु बम के परीक्षण से लेकर परमाणु बम को रखने के लिए गोदाम हो, चीन ने यहां सब कुछ बनाकर तैयार कर लिया है। एक पूरा सेटअप चाइना की ओर से बनाया गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर युमेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसके जद में ताइवान और जापान के साथ साथ अमेरिका भी होगा। अमेरिका के स्ट्रेटजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा बहुत बड़े खतरे का सारण बनकर सामने आता है।
दावा ये कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा, वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1,000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा। साफ है चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है। परमाणु बम बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब 200 करोड़ डॉलर का खर्च आया था, जो आज की तारीख में करीब 1,65,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया के परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑन द एटॉमिक साइंटिस्ट के डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। रूस, अमेरिका और चीन की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर हो रहे नए निर्माण ने दुनिया को एक बार फिर डरा दिया है। बड़ा सवाल ये, नए परमाणु बम बनाने की इस होड़ में अगर रूस, अमेरिका और चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया और खाड़ी देशों ने भी अगर परमाणु ताकत बढ़ानी शुरू कर दी तो फिर तीसरे विश्व युद्ध को टालना नामुमकिन हो जाएगा।